नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो जो कि हमने गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे पर बनाई थी, उस पर बहुत से लोगों ने कमेंट किया है और हमने ये पूछा था कि आप जो है आपके कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो उस पर लोगों ने अलग अलग जिलों का रूट अलाइनमेंट के बारे में कमेंट किया है। तो आज का जो ये वीडियो है, हम बिहार के अररिया जिले के बारे में जो है इसका रूट अलाइनमेंट को बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 519 किलोमीटर लंबा, 4 लेन चौड़ा, जो कि 6 लेन तक एक्सपेंडेबल है, एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जो कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक जाएगा तथा उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तीन राज्यों को ये आपस में जोड़ेगा। दोस्तों, यह एक्सप्रेसवे एक भारतमाला परियोजना का ही हिस्सा है और यह एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद जैसे कि आपको पता है कि ट्रैवल टाइम जो कि यात्रा का समय है और दूरी इन दोनों को ही कम कर देगा। बात करें लंबाई की तो इसकी लंबाई 519 किलोमीटर है और दोस्तों ये उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में क्रमशः 84 किलोमीटर, 416 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 19 किलोमीटर लंबा होने वाला है। तो चलिए अब हम आपको अररिया जिले के 6 ब्लॉक के गांव के नाम बताने वाले हैं, जो कि क्रमशः नरपतगंज ब्लॉक में 7 गांव, फॉरबिसगंज के 13 गांव, अररिया ब्लॉक के 14 गांव, कुर्साकाटा ब्लॉक के 9 गांव, शक्ति ब्लॉक के 4 गांव और प्लासिक गांव के 17, प्लासी ब्लॉक के 17 गांव। टोटल 54 गांव इस डिस्ट्रिक्ट में एक्सप्रेसवे की जद में आने वाले हैं। तो चलिए ब्लॉक वाइज हम आपको इनका नाम सुना देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नरपतगंज ब्लॉक की, जिसके 7 गांव पलासी, राजगंज, मथुरा, खैरा, बड़े पारा, परासी और भतौंजा है। इसके बाद बात करते हैं फॉरबिसगंज ब्लॉक की, जिसके 13 गांव बाबमारा, अम्हारा, कमकौल, पोटरी, परवाहा, बड़े सर, मटियारी, भंटावारी, धानपुरा, बगछौरा, हंसकोसा, शाहबाजपुर और भाबारी हैं। अगला ब्लॉक है अररिया, जिसके 4 गांव हैं फुलवारी, जमुआ, दबरा और बेलवाड़ी। इसके बाद कुर्साकाटा ब्लॉक के 9 गांव क्रमशः इटाही, परबत्ता, महेशकुंड, जागीर, बुरहा, हसनपुर, पलास बनी, तमकरा और बीरबन हैं। नंबर 5 ब्लॉक की अगर बात करें तो शक्ति ब्लॉक के 4 गांव आते हैं, जिसमें सोहती, सुहागमरा, करहबाड़ी और पोठिया गांव शामिल हैं। अंतिम पलासी ब्लॉक है, जिसके कुल 17 गांव हैं और इसमें सबसे ज़्यादा गांव इस ब्लॉक के कवर होंगे, जो कि महादेव केला, फूलसरा, चौरी, दिघली, करोर दिघली, पिपरा, बिजवारा, भाटावरी, धर्मगंज, बजुआ, मनभोर तेड़ा, कनखुदिया, गंगझाली, दोगच्छी, पिपरा, जहानपुर, कोदैली, बकैनिया और जुरैल गांव शामिल हैं। टोटल 6 ब्लॉक के 54 गांव अररिया जिले में आते हैं, जिनसे ये एक्सप्रेसवे होकर गुजरेगा। दोस्तों, 3A नोटिफिकेशन के तहत इन गांवों के बारे में मैं आपको बताया हूं, जो कि 368.5 किलोमीटर से शुरू होकर के 426.8 कुल 58 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करेंगे अररिया जिले में और 6 ब्लॉक्स के 54 गांव से होकर के यह एक्सप्रेसवे गुजरने वाला है। दोस्तों, आगे की वीडियोस में भी हम इसी प्रकार से आपको नई नई जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को अपना प्यार यूं ही देते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।